फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारती फैमिली व्लॉग्स। फ्रेंड, आज हम जा रहे हैं शूटिंग के लिए, बट ओजस के लिए। एक्चुअली जो सोनी टीवी पर गणेशा सीरियल आता है, ओजस की शूटिंग उसी सीरियल के लिए थी। तो हम बॉम्बे के बिल्कुल पास में ही तकरीबन 150 किलोमीटर दूर आम गाँव में शूटिंग के लिए गए थे। यहाँ पर हम उन्हीं की कार में जा रहे हैं। प्रोडक्शन की तरफ से एक कार प्रोवाइड की जाती है। सुबह 5 o'clock हम चले थे। हम इस कार में 3 families हैं, जिसमें 3 बच्चे और हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं। तो ये आम गांव है और बिल्कुल गांव वाला ही एरिया है, और हमें वहाँ जाने में 2 hours लग गए। और जाते ही हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हमारी शूटिंग स्टार्ट हो गई। एक्चुअली माइक्रो सीरियल क्या रहते हैं, इनके लिए बड़े बड़े सेट चाहिए होते हैं, जैसे उनको फोर्ट दिखाना है या फिर महल दिखाने हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, गाँव के एरिया में ही अपना पूरा सेटअप बना के रखते हैं, परमानेंट बना लेते हैं। तो ये भी आम गाँव में गणेशा का पूरा सेट बना हुआ है, उसी के लिए हम वहाँ जा रहे थे। तो रास्ता बहुत ही अच्छा था। सुबह सुबह 5 बजे उठे थे तो सब थके भी थे, थोड़ा सो लिए, कभी उठ गए और अब हम वहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि ओजस का कॉल टाइम था, वो था 9 बजे। कॉल टाइम मींस मतलब आपको सेट पर बिल्कुल रेडी होकर आना था। तो उससे पहले हमें जाकर थोड़ा रेस्ट करना था, ब्रेकफास्ट करना था, मेकअप करना था, तो इसीलिए 5 बजे हम निकल पड़े। और अब हम देखिए, हम सेट के अंदर पहुँच गए हैं। और ये जो साइड में आपको दिख रहा है ना, ये कोई फर्नीचर की शॉप नहीं है, ये एक्चुअली उन्हीं का सेट है। जैसे जैसे इनको रिक्वायरमेंट होती है, वो अपने आप ही उसको बनाते रहते हैं और तोड़ते रहते हैं। देखिए, साइड में आपको लग रहा होगा जैसे कि कहीं पे फोर्ट है या फिर महल है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब नकली है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बाहर ऐसा लग रहा है ना कि ये महल की दीवारें हैं, ये सब नकली है और इनके अंदर कुछ नहीं होता। ये देखिए, सारा सेट इनका खुद का अपना है। खेतों के बीच में जाकर ये गाँव था, आम गाँव। अगर हम अपनी गाड़ी से जाते तो हमें ना मिलता। और अब हम पहुँच गए हैं सेट पर। ये सारी लेबर और ये सब सामान सेट वालों का, ये गणेशा सीरियल का। और ये देखिए सामने जो बिल्कुल आपको दरवाज़ा लग रहा है ना, जैसे महल का दरवाज़ा, ये भी सब नकली था। तो जल्दी से हमने ब्रेकफास्ट किया और ओजस का मेकअप स्टार्ट हो गया। ओजस को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसको अपने बालों से बहुत प्यार है और उन्होंने पूरा नेट लगा दिया था, क्योंकि उनको वो लगाना था विग। और पीछे एक और है उनके साथ, वो भी रेडी हो रहे थे। ये साथ में मेकअप मैन है और डिज़ाइनर है, ये सब आए हुए हैं। ओजस को उन्होंने बोला कि बेटा आप पहले अपनी शर्ट रिमूव कर लो, ताकि आपका मेकअप अच्छे से हो जाए। क्योंकि पर यहाँ ओजस का मेकअप स्टार्ट हो गया था और मैं हेल्प कर रही थी उसकी, तो वो पीछे उनकी धोती बांध रहे हैं। एक्चुअली ये जो सीरियल था, एक्चुअली जो इनका पार्ट था वो गणेशा सीरियल में है। गणेश जी स्टोरी सुना रहे हैं, एक राक्षस हुआ करता था नरकासुर, तो उसके बारे में कि वो राक्षस कैसे बना। तो ये तीनों जो थे उसके बचपन के फ्रेंड बनते हैं, तो ये बच्चों का, तीनों बच्चों का बचपन का ही इसमें रोल दिखाया हुआ है। तो उसके लिए एक ओजस को इन्होंने चुना था। तो और मैं वीडियो बना रही थी तो उसको और भी शर्म आ रही थी कि मम्मी मैंने शर्ट नहीं पहनी है। यहाँ उसका मेकअप स्टार्ट हो गया था और जल्दी से उनको रेडी करके सेट पर पहुँचा दिया, क्योंकि पहला सीन अगर अच्छा हो जाता है ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है। और ये उसका टीका लगा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से उन्होंने लगाया, बहुत ध्यान से मेडल लेकर। और क्योंकि ये राक्षस थे तो इनको पहले रेड कलर का टीका लगा दिया, तो पर बाद में इनको लगा, पर बाद में इनका टीका चेंज किया गया, क्योंकि राक्षस हैं तो ब्लैक टीका उसको लगा दिया गया दोबारा। देखिए कितने बड़े बड़े इन्होंने ग्रीन स्क्रीन यूज किया हुआ है। यहाँ ओजस खड़ा है सामने और उसमें एक और है जो सीन दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ये नरकासुर है, व्हाइट कपड़े जो मैंने आपको भी दिखाया, ये मेन नरकासुर है, मतलब बड़े नरकासुर। और ये तीनों उनके बचपन के फ्रेंड्स, तो मतलब बचपन का और उनके बड़े होने तक का पूरा पार्ट एक साथ ही शूट हो रहा था। ये ओजस यहाँ मस्ती कर रहे हैं, दोनों तीनों बैठे हैं, तो ये तीनों फ्रेंड्स बने थे कि ये और ये सब। गुड मॉर्निंग,
आज मैं गुड मॉर्निंग कर रही हूँ आम गाँव से. आपको शोर आ रहा होगा पीछे. एक्चुअली यहाँ पर हम शूटिंग के लिए आए हैं और आपको मैंने बताया था, और हम आम गाँव ओजस के लिए आए हैं. उसकी गणेशा सीरियल में शूटिंग चल रही है तो मुझे उसके साथ आना पड़ा, क्योंकि एक पेरेंट को तो आना ही होता है किड्स के साथ ना, क्योंकि बच्चे को डायलॉग्स करवाना ये सब. और माइथो सीरियल्स में तो डायलॉग्स बहुत हैवी भी रहते हैं. तो आज मैंने सोचा कि उन्हें मैं आम गाँव से आपको गुड मॉर्निंग बोलूँ. ओजस सो रहा है, ओजस सो ही रहा है अभी. मैं उन गेम में दिखाती हूँ, ओजस बहुत थक गया था कल. ये देखिए, ये हमें रूम मिला है, रूम अच्छा है. और ओजस देखो सो रहा है. एसी मैंने अभी बंद कर दिया है, वरना तो ये सो ही रहा था. नहीं तो ये तो सोता ही रहेगा. और ये टीवी है, बट देखने का टाइम ही नहीं मिला इसको. थकावट इतनी हो गई थी, क्योंकि थकावट इतनी हो गई थी शूट ही. एक्चुअली जहाँ आप स्टे करते हो ना, तो वो ईजी आराम आराम से शूटिंग करते हैं. तो कल 9 o'clock तक हमारी शूटिंग चलती रही, तो बहुत थक गया था. क्योंकि अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो ना, तो एक्टर्स तो अवेलेबल ही रहते हैं. तो इसीलिए तो कल रात 9 बजे तक शूट चलता रहा. तो बहुत थक गया था बेचारा, तो अभी सो ही रहा है. अभी भी 9 बजे का, सुबह 9 AM का इसको कॉल टाइम है. और रेडी करने आ जाएंगे तो मैं इसको उठाती हूँ और हम ब्रेकफास्ट करते हैं. ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब यही ऑप्शन से ही प्रोवाइडेड होता है. और अच्छा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो गांव से आई थिंक बनवा रहे हैं, क्योंकि टिफिन आते हैं बड़े बड़े और इतना खाना आता है कि हमसे खाया ही नहीं जाता हम दोनों से. तो चलिए मिलते हैं. आज जल्दी से रेडी कर देती हूँ इसको, वो आ जाएंगे मेकअप के लिए और ब्रेकफास्ट करते हैं. अगर आपको गणेशा सीरियल के भी BTS देखने हैं, कमेंट से बताना कि जो मैंने लास्ट BTS डाले थे अपने सीरियल के, आपको कैसे लगे और आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं कि नहीं. क्योंकि मुंबई में जो रहते हैं उन्होंने तो शूटिंग देखी होगी, बट जो आउट ऑफ मुंबई रहते हैं उनको बहुत क्रेज़ होता है. मुझे खुद बहुत क्रेज़ होता था, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे BTS बनाऊँ बिहाइंड द सीन, कि आपको भी अच्छा लगे और आपको फील आए कि सीरियल कैसे बनते हैं. तो ये BTS भी मैंने बहुत अच्छा बनाया है, जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने दिखाने की कोशिश की है. बट जो सीरियल की शूटिंग होती है ना, वो ये अलाउड नहीं करते बनाना, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया है. तो चलिए जल्दी से ओजस को उठा देती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है. ओजस, ओजस उठो बेटा, मेकअप दादा आने वाले, उठो. जैसे मैंने बोला था, हमने वहीं स्टे किया और ये हमारा रूम है. और यहाँ पर डे 2 है और सेकेंड डे के लिए ओजस का मेकअप हो रहा है. ब्रेकफास्ट हमने कर लिया रूम में ही और जल्दी से मेकअप स्टार्ट कर लिया है. ओजस को था कि मम्मी जल्दी से शूटिंग खत्म हो और मैं घर चला जाऊं, क्योंकि उसको अपने PC के साथ खेलना कंप्यूटर गेम्स बहुत पसंद है, तो वो बहुत मिस कर रहा था उसको. जल्दी से मेकअप फिनिश हुआ और हमारा शूट स्टार्ट हो गया.
रोजस का सीन चल रहा था और मैं साइड में बैठी हुई शूटिंग कर रही थी। ये देखिए सारा उनके सीरियल का सामान है, जब भी उनको यूज होता है तो वो यहाँ से उठा लेते हैं या यहाँ पर सीन करते हैं। अभी अंदर सीन चल रहा है इसीलिए हम बाहर बैठे थे कि हेल्प चाहिए होती है, बच्चे को पानी पीना है या कुछ खाना है तो उसके लिए हम पेरेंट्स बाहर थे। देखिए ऊपर ऐसा ही रहता है, बस नीचे की शूटिंग होती रहती है। ये गणेश जी का यहाँ पर सारा सेट है ये रखा है, और ये भी मैंने थोड़ी सी शूट किया था दूर से। आपको दिख रहा होगा शिव जी जी हैं दूर और उनकी शूटिंग चल रही है, तो मैंने बड़ा ध्यान से साइड में फोन लगाकर उसकी शूटिंग कर ली। अब आपको भी दिखाना तो था ही ना। देखिए ये है पार्वती जी और वो साथ में शिव जी जी वहाँ पर लेटे हुए हैं, और ये ऐसे ही शूट होता है सारा, इनको ऐसे लेटा कर शूट करेंगे और बाद में उसको कंप्यूटर से एडिट कर। यहाँ ओजस की शूटिंग चल रही थी, थोड़े बहुत सीन जो बच गए थे वो चल रहे थे, और मैंने इस वीडियो में ओजस की जो सीन है उसे कुछ सीन्स भी डाले हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जैसे ये है, ये मतलब ये टीवी से मैंने लिया था, जब टीवी में सीरियल गणेश चल रहा था तब मैंने वहाँ से कुछ सीन्स क्लिप्स ली थी आपके लिए, इसमें डाल दी है, आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और अब हमारा फिनिश हो गया था पूरा, और अब शूटिंग फिनिश हो गई है और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। बच्चे बहुत ही खुश हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हमारा हो गया है, अब हम वापस गाड़ी में आ गए और घर की तरफ जा रहे थे। अगर आपको ये मेरे सीरियल के दिखाए हुए BTS अच्छे लगते हो बिहाइंड द सीन्स तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आने वाले सीरियल के BTS देखने के लिए कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।